तो ये निशाने और किस्मत का खेल है। अगर हारे तो जाएंगे सिर्फ 5 और अगर जीते तो मिलेंगी ढेरों दिनारे। हाँ तो मोहतरमा बताइए किस पर लगाएंगे आप? 20। तो लीजिए लगाइए निशाना। ये चाकू 20 के खाने पे जाकर लगे। हमारा निशाना सही कैसे लग गया? हमें तो निशाना लगाने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। यकीन नहीं होता हमारा निशाना इतना पक्का है। अगर हम वाकई में निशानेबाज हैं तो अगली चाल में पता लग जाएगा। अरे इस बार तो पक्का। एक और चाल। अब जादू अपने साथ है मर्जीना, तुम दिनारी लगाती जाओ, मैं जादू करता जाऊंगा। अब बोल के मारा तो मिलेंगी दुगनी दिनारें। बताइए 2। ये चाकू 2 के खाने पर जाके लगे। लगता है हम सच में माहिर हैं इस खेल में। हमें भी आज ही पता चला इस हुनर के बारे में। देखो क्या निशान है, तालियां। आंख बंद करके चाकू 40 पर लग जाए। चाकू 15 पे लग जाए। बताइए मालिका, क्या सोचा है आपने? आप बस हुक्म कीजिए। सद्दाम को पैगाम भेजो, उसे कहना कि पूरे काबुल में शाही फरमान पहुंच जाए। ये फरमान सबसे पहले काबुल के इंसानों के हौसले को तोड़ेगा और फिर उनके जमीर को खत्म कर देगा। कितना छोटा होता है इंसान, उसकी जरूरतें ही उसकी तकलीफों को और बढ़ाती है। चाकू 25 पर लग जाए। ए लड़की, तेरा निशाना कैसे लग रहा है बार बार? हम लोगों का तो किसी का नहीं लगा। जरूर ये कुछ बेईमानी कर रही है। रुक
रुकिए रुकिए रुकिए, दरअसल हम एक काबिल चाकूबाज हैं। हमारा निशाना तो इतना दुरुस्त है कि खुद खंजर को भी नहीं पता कि कहाँ जाके लगता है। यहाँ के आकाओं ने हमें काम पर रखा है ताकि आप सबको लगे कि जीतना आसान है और यहाँ खुलकर जुआ खेल सके और अपनी दिनारी लुटा सके इन फर्जी खेलों पर। हाँ ये सही बोल रही है। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, हम इसे नहीं जानते, ये आज ही पहली बार आई है। अच्छा आपने कभी किसी मोहतरमा को देखा है जुआ खाने में? हाँ हाँ ये लड़की एकदम सही बोल रही है, किसी भी जुआ खाने में कोई भी लड़की नहीं होती। धोखेबाज है ये लोग, धोखेबाज है, धोखेबाज है ये लोग। का जिस्म जकड़ जाए, ये कैसे हुआ? चलो पोया। ये लड़की सच में पागल है। सुल्तान सद्दाम ने यह फरमान जारी किया है जिसमें साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि अभी और इसी वक्त से काबुल से आने वाला राशन बंद किया जाएगा। इसके मायने ये भी हुए कि काबुल से कोई अनाज नहीं आएगा। सब्र करें, खामोशी इख्तियार करें। हम कैसे सब्र कर लें अब्दाली साहब, जब सारी रसद काबुल से आता है और काबुल से नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा? और इस हुक्म के तामील से तो हम सब अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे। जब हमारे ही अपनी भूख से मर जाएंगे तो अब्दाली साहब काबुल ही एक जरिया है उन्हें बचाने का। बात को समझने की कोशिश करें, ये फरमान सुल्तान सद्दाम ने खुद जारी किया है। इसके मायने ये भी हुए कि इस फरमान की नाफरमानी करना या इसे नहीं मानना काबुल से गद्दारी होगी। मेरी मुखलसाना दरखास्त है आप सब से कि जो भी अनाज राशन पानी आपके पास मौजूद है उसे एहतियात से खर्च करें, उसे संभाल कर रखें। ये कैसा सुल्तान है जिसे अपने आवाम की फिक्र ही नहीं? फिक्र है सुल्तान सद्दाम को, आप सबकी बहुत फिक्र है। सुल्तान सद्दाम के पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा, उन्हें मजबूर किया गया है, उन 40 चोरों ने धमकाया है उनको। क्या 40? 40? ये फरमान 40 चोरों ने जारी करवाया है। आखिर 40 चोर चाहते क्या है जनाब? आप सभी के सवालों के जवाब इस फरमान के आखिरी हिस्से में मौजूद है जिसमें सुल्तान सद्दाम ने साफ तौर पर यह दर्ज किया है कि 40 चोरों ने इस पाबंदी को हटाने के लिए एक शर्त रखी है। कैसी सर? बताइए बताइए कैसी सर? इस तस्वीर को गौर से देखें। भूखमरी में मजबूर इंसान अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो ऐसे में वो जादूगर कैसे बचेगा अपनों की नजरों से, और कब तक छिपेगा वो जब पूरा काबुल उसके पीछे होगा?
भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी और छिपने के लिए आसमान छोटा पड़ जाएगा। अब बहुत जल्द वो जादूगर और तलिस्मान हमारे पास होगा। जिस किसी शख्स के गले में ये आवेश होगा, हमें उसे तलाश करना है और 40 चोरों तक उसे पहुंचाना है। ऐसा आवेश तो मेरे गले में है। हम सबको मिलकर ढूंढना होगा उसे, क्योंकि जब तक वो शख्स 40 चोरों के हवाले नहीं किया गया, तब तक ये पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। अरे अगर ये इंसान हमारे सामने नहीं आया तो हमें खुद ही इसे ढूंढना होगा। अली, लगता है इन्होंने मेरे घरे का तलिस्मान देख लिया। आवारगी में वक्त जाया करने से बेहतर होगा कि तुम भी उस शख्स की तलाश शुरू कर दो, वरना बिला वजह ये लोग भूखे मारे जाएंगे। अगर हमने उस शख्स को 40 चोरों तक नहीं पहुंचाया तो पाबंदी नहीं हटेगी और ये मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। क्या वैसे आपने ये हिस्सा तो पहले कभी देखा नहीं? ये आया कहां से? समझ में आया 40 चोरों को तलिस्मान क्यों चाहिए? ये आवेशा ही तलिस्मान है। ये तलिस्मान है, यही है असली खजाना। और ये वही तलिस्मान है जो अब्बू ने सिमसिम से चालाकी से चुराया था। जिसे आपके यहाँ पहरेदारी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कहते हैं जहां हटी नजर वहां शिकार फुर। चालीस चोरों का खात्मा करने के लिए बुनिस के भविष्य किए थे। जब तक रहेगा तलिस्मान टुकड़ों में, तब तक रहेगी तेरी शैतानी रूह दोजख में। दूसरा हिस्सा बचपन से मेरे पास है और पहला हिस्सा उनके पास, और जब मैं सिमसिम की गुफा में पहुंचा तो दोनों हिस्से आपस में मिल गए। और अब 40 चोरों को जादुई ताकत के लिए तलिस्मान चाहिए। अली, तुझे तो पता ही नहीं है कि ये तलिस्मान क्या नहीं कर सकता। क्यों इन 40 चोरों को और उनकी मलिका सिमसिम को ये तलिस्मान चाहिए? क्या है उनका मकसद? बहुत वक्त जाया हो गया मेरे नूरे निका, अब और नहीं, अब बहुत जल्द जादू करके खून से मैं उस गुफा को रंग दूंगी। बहुत जल्द तलिस्मान से आप फिर से जिंदा हो जाएंगे मेरे नुमेलिका। अब वो दिन दूर नहीं जब तलिस्मान की ताकत से इस पूरी कायनात पर आपकी हुकूमत होगी। अगर इस तलिस्मान में जादू है तो जिसके पास भी तलिस्मान होगा वो जादू कर पाएगा। तो क्या मैं जादू नहीं कर सकता?
जादू मुझ में है या नहीं? अगर मुझ में कोई जादू वाकई में है तो हवा में आग लग जाए। अगर अब मुझ में कोई जादू है तो हवा में आग लग जाए। अब याद आया, पहले मैंने जब जब जादू किया तलिस्मान के दोनों हिस्से आसपास थे, और अब जब दोनों हिस्से आपस में मिल गए मैं जब चाहूं तब जादू कर सकता हूं। भाईजान खुदा के वास्ते मेरा अनाज लौटा दीजिए। भाईजान हमारे पास कोई अनाज नहीं है, जाइए यहाँ से। अरे भाईजान सुनिए तो, अरे भाईजान सुनिए, इसे आप रख लीजिए, हमारे पास और भी है। शुक्रिया भाईजान। चोर पकड़ो, मेरा अनाज चुरा कर ले जा रहा है, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो, आप ठीक हैं? अरे कोई पकड़ो, अरे वो मेरा अनाज चुरा कर भाग गया, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, पकड़ो उसे, पकड़ो। भाईजान घबराइए मत, भाईजान घबराइए मत, ये हमारा अनाज आप ले लीजिए, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। बाबा अभी तो बहुत लोग हैं, क्या करेंगे हम? इतने लोगों की भूख कैसे मिटेगी बाबा? अब से हम जबरो चाचा के बकरियों का दूध नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बकरियों के पास खुद ही खाने के लिए चारा नहीं है। अपनी आवाम को इस हाल में कैसे देखें हम? खाने जैसी बुनियादी हक पे कैसे रोक लगा सकता है सद्दाम? परवाज पर इस मुसीबत का सामना हम सबको साथ में मिलकर करना होगा। इस बुरे वक्त में आपस में बात करने से नए रास्ते खुलेंगे, हमें क्या करना है ये एक साथ सोचना होगा। इस जोरावर को क्या क्या तमीज और इतनी समझदारी की बातें करके सराहेंगे? ये फैसला किसी एक की मनमानी से नहीं होगा, हम साथ में बात कर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अब आप सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। मामूली और शाही गली के अनाज को आपस में मिलाकर हम सबको बराबर बराबर बांट देना चाहिए। अरे ऐसे कैसे मिला ले खाना, क्यों करे बराबरी? परवास के हर बाशिंदे की राय कीमती है, यहाँ पर कोई किसी के मशवरे की तोहीन नहीं करेगा। ये जोरावर के चूजे नजर नहीं आ रहे, अजीब है, जोरावर की ये शराफत असली तो नहीं हो सकती, आखिर ये चाहता क्या है? इन मामूली गली वालों के पास अनाज का एक दाना भी नहीं रहना चाहिए, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, एक अनाज का दाना भी मत छोड़ना इन मामूली गली वालों के लिए। सब्र रखिए बिरादर, खामोश, इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। आप सब थोड़ा वक्त ले लीजिए और ये सोचिए कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। हम शाम को फिर यही मिलेंगे और ये तय करेंगे कि हमें करना क्या है। जोरावर ने पूरे परवास को बुलाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, ये हुआ क्या?
चलो। अरे हम बर्बाद हो गए, लुट गए हम। अरे किसी ने हमारा बचा हुआ खाना भी चुरा लिया। अरे भाई किसी ने मेरा खाना भी लूट लिया। हाँ हम सबका खाना गायब हो गया। लगता है किसी ने पूरी मामूली गली को लूट लिया है। ये क्या हो गया भाई? कौन ले रहा है सब? कौन ले गया हमारा राज? जरूर इसके पीछे जोरावर का हाथ है। मुझे तफ्तीश करनी होगी।